यह है धर्मेंद्र कुमार। इनका जन्म 1974 में बिहार के गया शहर में हुआ। इनके पिता कृष्ण प्रसाद और माता माधुरी सिंह खेती करते थे। छह भाई बहनों में पांचवें नंबर के हैं पुत्र धर्मेंद्र। बहुत ही महत्वाकांक्षी पुत्र थे। इन्होंने एमए तक की शिक्षा प्राप्त की और बैंक में क्लर्क की नौकरी में चयनित हुए। उस समय आपको 2,450 रुपए मासिक वेतन मिलता था। सन 2000 में अमिता के संग इनका विवाह हुआ और आज इनके पुत्र और पुत्री है जो हायर एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। बैंक में नौकरी के दौरान इनके छोटे भाई ने आरसीएम का प्लान बताया और विजन क्लियर होने की वजह से नौकरी के साथ आरसीएम करने का निर्णय लिया। राह आसान नहीं थी, बच्चे भी छोटे थे, पत्नी अकेली घर संभालती थी। नौकरी के पश्चात बहुत कम समय बचता था। लोग पागल कहते थे और कहते थे आपके पास सब कुछ तो है, फिर आरसीएम की क्या आवश्यकता पड़ी। लेकिन धर्मेंद्र आरसीएम का फ्यूचर और विजन देख चुके थे। उन्हें कोई चैलेंज अब रोक नहीं सकता था। अंततः 2006 में रॉयल्टी और 2007 में टेक्निकल की 77,000 की इनकम प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने फुल टाइम आरसीएम करने का निर्णय लिया। कहते हैं कि बेटर लाइफ इज द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। अब वो अपनी पत्नी, बच्चों और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आज इन्हें सपनों की पिन स्टार रूबी से सम्मानित किया जा रहा है। मेरी शादी एक बैंक एम्प्लॉय से हुआ था। मेरे पापा चाहते थे कि नौकरी कर रहा है, इसका भी लाइफ सेट हो जाएगा। और लेकिन उसके बाद जब ये इनको आरसीएम मिला और उसमें साबुन, सर्फ ये सब बेचना, तो उसे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि मतलब हस्बैंड मेरे बैंक एम्प्लॉय साबुन सर्फ ये सब बेचेंगे। मैं घर में आता था तो मेरी वाइफ, उनको लगता था कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ पता नहीं यहाँ पे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ही केम होम अराउंड 12 एट द नाइट और 11 इन द मॉर्निंग एंड एज अ चाइल्ड आई फेल्ट समटाइम्स इन एंजाइटी परप्लेक्स दैट व्हाट माय डैड इज डूइंग। मेरा एक सपना था कि मेरे हस्बैंड एक गाड़ी ले। उस समय गाड़ी का बड़ा शौक था कि कोई सा भी छोटा सा भी गाड़ी ले, और वो गाड़ी के नाम पे ऐसा भड़कते थे कि पता नहीं उनसे क्या मांग लिए हो। घर से लेके, बाहर से लेके, ऑफिस से लेके, परिवार के मेरे जितने भी सदस्य थे सबके नज़र में मैं पागल घोषित हो गया था। हमें जब बाहर जाना होता था तो मम्मा मेरी पीछे बैठती थी बाइक के, पापा बाइक चलाते थे एंड मैं उसके टंकी में बैठता था। बैंक के लोग, मेरे साथी लोग कहते थे कि अरे यार धर्मेंद्र कहाँ, तुमको किसने बता दिया यार, इन सब चीज़ों को करके आज तक कोई सफल नहीं हुआ है, अच्छी खासी बैंक की नौकरी है, तुम बर्बाद हो जाओगे इन सब चक्कर में, चुपचाप नौकरी करो। मेरे लिए सेलिब्रेशन नाम का उस समय कोई चीज़ नहीं रह गया था। कोई फेस्टिवल है, हम लोग उसको सेलिब्रेट करें, ये तो जैसे हम भूल ही चुके थे कि होली आ रहा है, दिवाली आ रहा है, वो तो इनको कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ और सिर्फ आरसीएम। 2 साल तक पार्ट टाइम किया, जब मेरी सैलरी से 5 गुनी से ज़्यादा आरसीएम से आना शुरू होगा तब हमने फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। ये डिसीजन बिल्कुल सही था इनका कि बैंक को छोड़कर आरसीएम करना। इसी से आरसीएम से मेरा, मेरे बच्चे का, सबका सपना पूरा हो रहा है और अब हम इनके बिल्कुल साथ में हैं। मेरा बेटा उनका घर देखकर तो इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ और वो इशारे में हम लोग आपस में कह रहे थे हाँ बहुत सुंदर। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं पार्टी कुमार की बेटी हूँ। फिर तो ये सिलसिला ऐसा चलता गया कि मेरी लाइफ में बस कार ही कार आ गया। अब तो कोई सा भी कार मेरे लिए लगता नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है। कई बार मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, मुझे वो प्रोडक्ट दे दो एंड मुझे लगता है कि वाह मेरा आरसीएम कितना फेमस है। सर के कांटेक्ट में जब गया तो मैंने देखा कि 1 करोड़ का फ्लैट पूरे वाराणसी में, शानदार अपार्टमेंट में शानदार फ्लैट, 40 लाख रुपए की इंडेवर कार, तो ये सब भी आरसीएम से संभव है। हमारे सीनियर्स क्यों बोलते हैं कि कांटों पे चलना पड़ेगा, यही कांटा है, यही अंगार है और आज उन्हीं कांटों और अंगारों पे चलने का नतीजा है कि आज मैं स्टार रूबी बना हूँ आरसीएम। स्टार रूबी से सम्मानित किया जा रहा है।